कटिहार में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट का अभ्यर्थियों द्वारा जारी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार से शुरू हुआ अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जारी है। अभ्यर्थी अब इस मामले को लेकर उग्र रूप धारण कर लिए हैं। उनके द्वारा रेलवे सेवा को बाधित करने का सिलसिला जारी है। इधर अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में पहले जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आए थे, अब तमाम विपक्षी दल भी उनके समर्थन में खड़ा होते हुए आज यानी 28 जनवरी को बिहार बंद किया है। प्रदेश के जिलों में सुबह से ही छात्रों और विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी है। इधर कटिहार जिले में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। छात्रों और विपक्ष के द्वारा आज बंद को लेकर कटिहार शहीद चौक में भी छात्र और राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने टायर जलाकर छात्रों के साथ हुए अन्याय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच खास बात यह रही कि पटना के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर द्वारा आंदोलन वापस लेने को लेकर विभिन्न माध्यमों से लगाई गई गुहार पर राजनीति शुरू हो गई है। बंद में शामिल राजनीतिक दलों का कहना है कि खान सर को जबरन डरा धमका कर ऐसी बातें रखने को मजबूर किया गया है। छात्र और विपक्ष खान सर के इस आह्वान पर अब कोई ध्यान नहीं देने वाला है। उनका यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। देखिए, पूरे बिहार से लेके पूरे भारत में युवाओं के जो अधिकार हैं, जो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा कि हम भारत के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो सरकार आज फेलियर है। उसका प्रमाण है कि 44 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में आज है। आज उसी का परिणाम है कि ये सरकार किस तरह जो रेलवे की बहाली निकालती है, और पूर्व के जो रेल मंत्री है वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बहाली हम भारत में निकाल रहे हैं, और वर्तमान के जो रेल मंत्री है वो कहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जो फॉर्म भरा गया है छात्रों के द्वारा, जो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा है, तो हम कहाँ से करवाएंगे। दोनों बातें आ रही है, दोनों रेल मंत्री की, पूर्व की या वर्तमान की, ये साफ जाहिर है कि ये सरकार कंप्लीट ये चाहती है कि रेल को कंप्लीट रूप से प्राइवेटकरण की ओर ये ढकेलना चाहती है, और ये विवाद खड़ा करके छात्रों के ऊपर केस मुकदमे लाद के छात्रों को डराना चाहती है, मारपीट कर कि आप आंदोलन करेंगे तो आपको हम जेल डालेंगे, आपके ऊपर लाठियां चलाएंगे, जिसके कारण आज भारत का पूरा छात्र आज सड़कों पे है। और हम कहना चाहते हैं कि आने वाले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये देश की युवा वर्ग जो है उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। कोई ताकत नहीं है जो इनको रोक लेगी। ये झूठी और ढोंगी सरकार को भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम पूरे भारत का युवा करेगा। ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन का शुरुआत है, ये निरंतर ये आंदोलन चलती रहेगी। अब ये आंदोलन अपने निर्णायक रूप में होगा, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ये साबित कर देगा कि भारत और का युवा क्या चाहता है। ये गवर्नमेंट को, जो उत्तर प्रदेश की अभी वर्तमान जो सरकार है 5 राज्यों में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का भी काम करेगी। आशु पांडे पूछो ऐसे आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में जो धांधली हुई है, एक तो सरकार 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, नौकरी भी नहीं दिया, कुछ वैकेंसी अगर निकला उसमें जिस तरह से घोटाला करने का काम किया ये जग जाहिर हुआ, और छात्रों के द्वारा पूरे देश में आंदोलन हुआ। ये बहुत बड़ी आंदोलन है, और ये आंदोलन ये बता रहा है कि आने वाला सरकार को ये युवा वर्ग, ये छात्र नौजवान उखाड़ फेंकेगा। मेरा नाम सुनील कुमार यादव, कांग्रेस नेता कटिहार। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।
ऐसी ही खबरों के लिए करें SEI24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।